شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله आज भी हमारे साथ कुछ तोहद की बुनियादी सवालात और जवाबात हैं तो इसको ख़त्म कर लेते हैं आज अगर ख़त्म कर लें तो फिर आइंदा हफ़्ता हमारे साथ हदीस जबरील की शरह होगी तो हमारे साथ सवाल नंबर छः है तौहीद की कितनी किस्में हैं और क्या है हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं नहीं जानते। तो की तीन मशहूर किस्में जो बार बार हम लोग सुनते हैं पता नहीं कितनी मरतबा हमने पढ़ा है आ, जैसे तोहैद रबूबियत तो उलूत तो आसमा सिफात। तो जब भी हम तो रुबूबियत कहते हैं तो लोगों को ज़रा अजीब सा लगता है फ़ौर उसकी माने और मतलब को समझ नहीं पाते हैं लेकिन समझना चाहिए आसान है तो ये तीन किस्में तोहद की हैं तोहद रबूबियत तो उलूत तो आसमा वसफ़ात उसके बाद एक और चीज़ हमारे साथ है शर्क किसे कहते हैं हमेशा हम लोग लोग जो शर्क करते हैं उनको मश्रक कहते हैं लोगों को हम लोग बताते हैं कि शिरक है लेकिन शर्क क्या है उसके ताल्लुक़ से हमको भी मालूम होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अल्लाह तबारक तआला की जात अकेली है अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है वलिल् आला कमी थी शै तो अल्लाह ताला की ज़ात में उसकी सिफ़ात में और अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक करने को शर्क कहते हैं Uh, कोई कहे कि अल्लाह तबारक व ताल देखा अच्छे लोगों की आदत है देखा माशाल्लाह बारक अल्लाह अल्लाह ताला आपके कारोबार में तिजारत में बरकत दें आमी तो कहते हैं कि ये जो शर्क है अल्लाह ताला की ज़ात में अल्लाह ताला अपनी जात में अकेला है किसी और को अल्लाह ताला के बराबर जैसे रहमान यमामा जो अल्लाह के नबी नबीम के ज़माने में बहुत सारे ऐसे पैदा हुए तो उन्होंने कभी नबूत का दावा भी किया लेकिन जैसे फिरौन है, उसने भी कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ नहीं फिराउन ने क्या कहा लेकिन किसने कहा नमरूद ने कहा नमरूद ने कहा अना उखी वो उम्मीद तो अल्लाह ताला की सिफात और इबादत में किसी को शरीक करने को दूसरों को अगर शरीक किया जाता है तो वो शर्क है मुशरिक किसे कहते हैं जो अल्लाह ताला के साथ दूसरों की भी इबादत करता है जैसे आजकल हमारे माशरे में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं मस्जिद में भी सजदा करते हैं दरगाहों पर भी कब्रों पर भी सजदा करते हैं इनको आप क्या नाम देंगे मुशरक ही देंगे हम इनको मुसलमान नाम नहीं देते हैं ये कलीमा गो मुशरिक हैं कलीमा कहने वाले मुशरिक हैं मुँह से कलीमा कहते हैं लेकिन इनके माथे आस्थानों पर चबूतरों पर और दरगाहों पर तो मैं हमारी गली में आ, देखा था वहाँ झंडा लगा हुआ है और झंडे का जो कट्टा जो बना हुआ सीमट का उसे एक साहब बड़ी अकीदत के साथ हरा पैंट ला के सुबह उसे मेहनत करके उसे हरा पैंट मार रहे हैं तो उसको नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो उसको बताते हैं तो लड़ने आ जाता है बोला कि कमस कम से कम बैठ के सोचो कि इस झंडे का इस हरे रंग का अल्लाह और उसकी दीन से क्या ताल्लुक है नबी की लाई हुई शरीयत से क्या ताल्लुक है तो शर्क की तोहेद की कितनी कस्में हम लोग पढ़े तीन तोहद रबूबियत तोद उलूत तोहदमा व इसी तरह शिरक है शिरक की दो किस्में हैं श अकबर और शरक असगर ये सारी बातें हम लोग जानते हैं बारहा पढ़ चुके हैं लेकिन रिपीट करना या अदा करना इसलिए है ताकि हदीफ जबरील से पहले एक मरतबा तोहीद की बुनियादी बातें हम जान दें तो शरक अकबर किसे कहते हैं और उसका हुक्म क्या है तो कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक करना जैसे कब्रों का तवाफ़ करना कब्रों पर सजदा करना और गैर अल्लाह से दुआ करना दुआ अल्लाह ताला से की जाती है अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी से इसता करता है जैसे लोग कहते हैं या मदद, ये तो शर्क है अदबिल्ला तो हज़रत अलीर अल्लाह तुक वो कहते हैं मुश्किल कुशा मुश्किल दूर करने वाले हैं तो अल्लाह ताली के अलावा न कोई मुश्किल दूर करता है न कोई नवाजता है गरीब नवाज़ कौन है अल्लाह है हाँ तो ये नवाज नहीं जो लोग कहते हैं कि अजीब अजीब नाम हैं लोगों के एन जी की क्या है वो हाँ हाँ के जी एन अल्लाह शॉर्ट में लोगों ने रख लिया किसी ने बिरयानी की दुकान भी खोली हाँ, क्या वो हा, तो सुबहान अल्लाह अब फिर दावा भी है कि हम पक्के मुसलमान हैं कैसे हो सकता है इन सारे काम जो अल्लाह ताला के हैं लोगों ने लोगों को सारे गरीबों को अगर ये लोग नवाजते हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है अल्लाह तबारक उतारा है जो सब को नवाजता है तो अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक करना गैर-अल्लाह से दुआ करना वगैरह ये शिर के अकबर है शिर के अकबर सबसे बड़ा शिर सबसे बड़ा शर और शर के अकबर करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है देखा अल्लाह ताला ने वो सवाब उनके हक़ में लिखा था तो वो सवाब उनको मिल गया जजाल्ला ख़ैरा जज़ा लेकिन और भी काम उसका बाकी है अगर कोई और भी सवाब हासिल करना चाहते हैं तो बाकी काम वो लोग कर ले सकते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत में कोई शरीक करता है तो ये शिर के अकबर है शिर की कितनी किस्में हम बोले हैं दो किस्में हैं शिर के असगर किसे कहते हैं छोटा सा शिर और उसका क्या हुक्म है तो जवाब उन्होंने दिख दिया दिखावे के लिए इबादत करना क्या करना तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है नहीं आज के ज़माने में शवाफ क्या है बहुत ज़्यादा है बहुत शायद पहले ज़माने में इतना नहीं था पहले ज़माने में लोग करके बताते थे आज नहीं करके बताते हैं ये फर्क है। दोनों बताते हैं लेकिन पहले ज़माने में जो बताते थे वो करके बताते थे आज क्या करते हैं न करके बताते हैं तो बर कै ये छोटा सा शिरक है तो इसी तरह गैरुल्ला की कसम खाना ये भी छोटे शिरक में शामिल होता है और ये छोटा शिरक ये गुना है कबीरा है और इसका करने वाला इस्लाम से बाहर नहीं होता लेकिन बड़े शिरक का करने वाला इस्लाम से बाहर हो जाता है ये फ़र्क है तो हम लोग पढ़ रहे थे तोहद की कितनी क़स्में हैं तीन नहीं तोहद रबूबत तोहदलूत तोहदमा व शिरक की कितने कस्में है? हैं दो दोस्में हैं छोटा सा शिरक और बड़ा शिरक। और बड़ा शिरक करने वाला इस्लाम से निकल जाता है छोटा शिरक करने वाला इस्लाम से तो खारिज नहीं होता ये गुनाह कबीरा का मरतकब होता है एक सवाल इन्होंने किया है क्या हम लोगों से मदद मांग सकते हैं क्या हम लोगों से मदद मांग सकते हैं तो लोग जिन कामों में मुखदिर हैं जो काम आदमी कर सकता है उससे हम क्या कर सकते हैं मदद मांग सकते हैं जैसे आप कभी अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को मैसेज करें कि भाई मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा हूँ तो अगर आप मेरा साथ दें मेरा साथ दें मैं अपना घर शिफ्ट कर रहा हूँ अगर आप मेरा साथ दें तो बड़ी अच्छी बात है लोग कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर किसी से हम कहें भैया गर्मी ज़्यादा हो रही है ज़रा बारिश बरसा दो ना तो बोला कि ये वो तो नहीं कर सकता है कोई कहे कि ज़रा मुझे बच्चा दे दीजिए मैं कई सालों से बच्चे के इंतज़ार में हूँ तो ये तो वो नहीं कर सकता है तो जो काम वो लोग कर सकते हैं वो काम इसीलिए लेकिन अजीमत ये है कि किसी से कुछ ना मांगा जाए इसलिए साहबा कराम के बारे में आता है कि साहबा कराम ने साहब कर ने अगर वो लोग ऊँट पर बैठे होते नीचे कोड़ा गिर जाता तो किसी से ना कहते कि भैया जरा दे देना यानी कहते वो किसी से ना कहते कि भैया जरा दे देना हरगिज उनको ये गवारा नहीं होता कि वो कहें कि जरा हमको ये दे देना ओके तो लोगों से उन कामों में मदद ले सकते हैं जिनकी वो ताकत रखते हैं जिसकी ताकत वो लोग नहीं रख सकते उससे हम मदद नहीं मांग सकते हैं तो कहते हैं उसके बाद एक सवाल हमारे साथ है क्या अल्लाह के अलावा भी कोई गैब जानता है ग़ैब किसको बोलते हैं अनसीन जो आँखों को नजर ना आए तो कम सुन लाआलमन्ना الله. ला। पांच बातें ऐसी हैं जो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता तो अल्लाह ताला ने क़ुरान में वो ज़िक्र कर दिया तो ग़ैब का इल्म अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं है लेकिन जितने दरगाहें हैं ये सब ग़ैब ही पर चलते हैं अगर ये लोग जितने ज्योतिषी हैं उनका कारोबार ग़ैब ही पर चलता है जितने बातिल परस आमिल हैं राकी हैं ये सब गैब ही पर गैब के दावे पर ही चलते हैं वो आपका चेहरा देख कर कहेंगे हाँ आपकी पिशानी पे ये सब शिकने पड़ी हैं आपके आँखों में लाल लाल डोरे नज़र आ रहे हैं लगता है आप पर जादू हो गया है अब आज के ज़माने में आदमी पहले से हज़ार बातें सोचता है अब सामने वाला इस कॉन्फिडेंस के साथ बोले तो क्या करेगा उसके अंदर भी क्या होगा हाँ ज़रूर मेरे अंदर किसी ने जादू कर दिया है आज के ज़माने में जादू करने किसको क्या फुर्सत है सब अपनी अपनी पड़ी है लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि सामने वाला खुद ब खुद इस वहम तहम परस्ती का शिकार हो जाता है तो अल्लाह ताला के अलावा कोई गायब नहीं जानता मैं यहाँ से उठूँगा चलूंगा बाहर जाऊँगा क्या खाऊंगा अल्लाह ताली के अलावा कोई नहीं जानता ठीक है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता तो क्या अल्लाह के नबी नबीम के पास गैब का इलम था अल्लाह के नबी नबीम गैब जानते थे गैब की बातों को जानते थे तो जवाब यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी गैब का इल्म नहीं था लेकिन अल्लाह के नबी नबीसम फिर कैसे बता दिया करते थे हाँ अल्लाह के नबी नबीसम ने उनको बताया नहीं किसे वो शैतान शैफ़ानश जो जिन्होंने एक और एक मक्के के सरदार से माहदा कर लिया कि मैं मदीना जाऊँगा अल्लाह के नबी वसल्लम को कत्ल कर दूँगा तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ लेकिन मेरे दो एक काम पेंडिंग है मेरी मेरे ऊपर बड़ा कर्जा है मेरी बच्चियों की शादियाँ भी हैं तो मक्के के वो सरदार ने कहा कि वो दो काम मैं देख लेता हूँ आप मदीना जाइए और अल्लाह के नबी से क्या कीजिए कतल कर दीजिए और मदीने में जंग बदर अभी अभी ख़त्म हुई थी उनके बेटे जंग बदर के कैदी बनकर मदीने में थे तो वो सफ़र करके वहाँ से पहुँचे और ये जो माहदा मक्के के सरदार और इनके बीच हुआ था हतीम में हुआ था रात की चांदनी में काबे मुक़दसा में हतीम में हुआ था वहाँ दोनों के अलावा कोई नहीं था ये सीधे मदीना पहुंचे मदीना जब पहुंचे मस्जिद नबी के सहन में तो पहली नज़र किसकी पड़ी हजरत उमर की पड़ी हजरत उमर देखते ही समझ गए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उम्र की बड़ी फिरासत थी वो देखते ही समझ गए कि अच्छी नीयत से नहीं आए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला तन गए गर्दन में हाथ डाल के इसे पकड़ लिए पकड़ के वैसे ही अल्लाह के नबी के पास लाए तो अल्लाह अल्लाह के नबी से फरमाया करे पहले छोड़ो उनको पहले क्या करो छोड़ो बोले नहीं अल्लाह के नबी इसकी इस, सही नीयत इस से नहीं आया बोला कि आप क्यों आए हैं तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा आपके पास है तो मैंने चाहा कि कैसे भी मना के मेरे बेटे को ले जाऊं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि स फ़रमाया कि फिर ये तलवार क्यों लाए हो ये तलवार तुम्हारे गर्दन में क्यों लटक रही है तो उन्होंने कहा कि अरे तलवारों ने हमें क्या फ़ायदा दिया हमारे सत्तर आदमी क़ैद होकर आपके पास आ गए जंगे बदर में तलवारों से हमको क्या फ़ायदा हो तो फिर अल्लाह के नबी सा फरमाया कि आप और उन्होंने जो हतीम में जो बातें कही थी उसका क्या बनेगा तो वो फ़ौर उसको याद करके उन्होंने क्या किया अल्लाह की कसम ये बात मेरे और उनके बीच में हुई और मक्के से निकल के मैं आया हूँ इतनी तेज़ी के साथ मुझसे पहले कोई नहीं पहुँच सकता था लेकिन आपको अगर ये बात मालूम है तो आसमान वाले रब ही ने बताई है आप अल्लाह के रसूल हैं सल अलैहि व आलिहि वसल्लम तो वो मुसलमान हो गए हा? तो मुसलमान हो गए और उधर वो जो मक्के के सरदार थे वो हज़रत वो बोल रहे थे कि जो भी काफिला मक्के से आता मदीने से मक्का आता बोलता कि बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि वो ख़ुद मुसलमान हो गए हैं तो वो बड़ा परेशान भी हुआ बेचारा हाँ तो मालूम यह होता है कि अल्लाह के नबी वसल्लम को गैब की बातें कैसे मालूम होती थी तो कहा कि अल्लाह ताला बाज बातें बता देता था अल्लाह के नब्बा ख़बीर मुझे किसने बताया है अलीम और ख़बीर ने बताया है शहद के मामले में अल्लाह के नबी वसल्लम को बहुत सारी बातें बताई गई वाक़ इफ्क में अल्लाह के नबी वसल्लम को बताया गया कि इसमें मीन आयशारती अल्लाह तब बेगुना है तो बास बातें अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के नबी को बता दी जाती थी लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम को ग़ैब का इल्म नहीं था आप लोगों में से किसी के पास नहीं ना है तो हाँ बास हम लोग छेट्टी हिस्स के तौर पर अंदाजे के मुताबिक हम ऐसे ही पत्थर मारते हैं कभी पत्थर क्या होता है लग जाता है तो इसे हम लोग हमारी जबान में बोलते हैं दाल को लेना बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग अरे सही कि नहीं आ, क्या बोलते हम लोग दाल को ले लिया उन्होंने तो कुछ बातें हम बोलते हैं तो सामने वाला भी क्या करता है हकीकत जो है वो पोल क्या करता है खोल देता है तो उसके बाद एक और चीज़ जिसके कहा कि मुसलमान किस चीज़ के जरिए फैसला करे तो अल्लाह ताला ने तुरान मजीद में बता दिया है कि कोई भी बात हो तो हम कुरान और हदीफ के जरिए से फैसला करेंगे कुरान हदीत में जैसे हुक्म है अल्लाह ताली ने कह दिया अफ हुक्म जाहलीत यून कुरानी छोड़ कर तुम दूसरे फैसले जो चाहते हो ये तो ज़ाहिलियत का फैसला तुम चाहते हो कोई भी प्रॉब्लम आए कोई भी इशू आए बैठें बैठ कर कुरान हदीत के मुताबिक हम लोग फैसला कर लें उसके बाद एक और सवाल हमारे साथ है अलिया अल्लाह किसे कहते हैं क्या कहते हैं आप लोगों में बहुत सारे अलिया अल्लाह होंगे अलिया वली की जमा है प्लूरल है वली दोस्त यली यानी जो अल्लाह ताला के करीब हो दोस्त अलिया अल्लाह उसकी दो ही निशाने क़ुरान में और हदीस में बताई गई वली की कितनी निशानियां हैं नो अलामोमिन आल तकी वो आदमी जो मोमिन हो और मुत्तकी हो वो अल्लाह का वली है अल्लाह का वली कौन है बस सिंपल। क्या भी उसे बड़े या तपस्या करने की ज़रूरत नहीं उल्टा लटकने की ज़रूरत नहीं पैर नंगे पैर चलने की ज़रूरत नहीं बस कहा कि आप सही मोमिन बन जाएं और मुत्तकी बन जाएं। मुत्तकी का मतलब है कि हलाल निवाला खाएं आँखों की हिफाजत कर लें जबान की हिफाजत कर लें तो आप अल्लाह के वली हैं और अल्लाह ताला से डरते रहें दो ही बातें जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह से डरते रहते हैं ये दो बातें आपके अंदर हैं तो आप अल्लाह के वली हैं वलीअल्ला शकीब हैं वो वलील हैं ऐसा ऐसा एक एक हम पूरे अल्लाह के वली हैं बस दो बातें तो ज़रूर होनी चाहिए दो बातें कैसी होनी चाहिए ईमान की पुख्तगी होनी चाहिए तकवा भी होनी चाहिए तकवा बस आसान है आदमी अल्लाह ताला से गुनाहों से डरते ज़िंदगी गुजारे कि कहीं गुनाह उसके दामन को दागदार न कर दे बस अच्छी बात है। एक और चीज़ हमारे पास है कि तौहीद से मुसलमानों को क्या फ़ायदा पहुंचता है तौहीद से मुसलमानों को क्या फ़ायदा पहुंचता है सिंपल बात है तौहीद से मुसलमानों को जन्नत में दाखिला मिलता है और जहन्नम से नजात मिलती है अल्लाह लाख सीधी सीधी बात क्या बोले हैं सीधी सीधी बात बोलते हैं कि तौहीद का फायदा इतना है कि तौहीद आदमी को कहाँ ले जाती है जन्नत में ले जाती है जहन्नम से आदमी बच जाता है बिना तौहीद के आदमी कितना भी रहे सूफिया हैं उनकी इबादतें कितनी हैं कितनी इबादतें सूफिया करते हैं कितनी रियासतें करते हैं लेकिन वो तोी से खाली हैं उनकी तोहीज़ से खाली हैं तो इसी कहते हैं आ, इसके बाद एक और हमारे पास है कि बंदों पर अल्लाह ताला का क्या हक है हकुलबाद यचल मदबन जबर तन की हदीत में हैं कि बंदे सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताली के अलावा किसी को उसकी इबादत में शर्क ना करें बस हल्की सी बात है अल्लाह ताला यही बात कल आख़िरत में कहेंगे कि जब आदमी अल्लाह ताला से कहेगा या अल्लाह मुझे जहन्नम से आप बचा लें मैं सारा दुनिया का मालो मत सारा ख़ानदान दे देता हूँ हालांकि वहाँ उसके पास कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ताला कहेंगे कि अरे बंदे मैंने तो दुनिया में तुझसे इससे कमतर चीज़ मांगी थी मैंने कुछ नहीं मांगा था लेकिन तूने नहीं दिया तो अल्लाह ताला की इबादत में किसी को शरीक न करें एक और चीज जिसके बारे में कहा कि गैर अल्लाह के नाम पर जानवर दबाह करने का हुक्म क्या है क्या बोलेंगे जितने ग्यारहवीं के बकरे हैं हमारे पास जो आते हैं तो ग्यारहवीं का बकरा है या बहुत सारे जानवर हैं जो दरगाहों पर कटते हैं तो लोग कहते हैं कि गर्चे के बिस्मिल्लाह कहकर जबाह किया जाए अल्लाह के नाम से लेकिन जिस नीयत से पाला जाए पोसा जाए कि ये ग्यारहवीं का बकरा है इमाम शेख सुबानी का बकरा है तो कहते हैं कि गैर अल्लाह के नाम पर जानवर दबाह करना शिरक है ये जायज़ नहीं है और गैर अल्लाह की नज़र मानना भी जायज़ नहीं तो नज़र मानते नहीं कैसे रजब के कुंडों की नज़र और लोग नियाज नज़र व नियाज मांगते हैं तरह तरह की ये सारी नियाजें इसका जवाब हरगिज़ नहीं है उसके बाद एक और जवाब हम लोग इससे पहले भी ये सवाल पढ़े हैं कि अल्लाह ताला कहाँ है दलील क्या है अर्रहमानु अरे अरशिवा लेकिन सूफिया क्या बोलते हैं अल्लाह हर हर जगह है दम दम क्या किया बोलते हैं तो अगर ऐसा मान लें कि हर जगह है तो इस डेस्क में भी अल्लाह है इसमें अल्लाह है तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो जायज़ हलाल नहीं तो लाजिम आएगा कि अल्लाह ताला का तकदस पामाल हो जाएगा तो इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रात से सातों आसमानों पर अर्श पर मुस्तवी है और अपने इल्म से सारों को घेरा हुआ है यूयतूँ अभी ही अल्लाह ताली का इल्म हम सब को घेरे हुए है और अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने बारे मिन हबलिल वरीद अल्लाह ताला का इल्म ऐसा है कि काले पत्थर पर काली चूंटी भी अगर चल रही है तो उसकी चलने की आवाज़ को अल्लाह सुबह वाली सुनते हैं और उसको देखते हैं इसी तरह अल्लाह ताला अपने तर्श पर हैं और इल्म और उसकी कुदरत हर जगह मौजूद है और उसके बाद एक सवाल हमारे साथ है कि हम अल्लाह ताला और मोहम्मद महम्मद से कैसे मोहब्बत करें कैसे मोहब्बत करेंगे कैसे मोहब्बत करेंगे तो इस सिलसिले में इश्क का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल ग़लत है जैसे लोग कहते हैं आशिक़ रसूल इश्क ये इश्क ये अलग ज़बान है वो अल्लाह के नबीम के साथ वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते अल्लाह और उसके रसूल से इतनी मोहब्बत आदमी करे जितनी जान से ज्यादा मोहब्बत करे यह है कि जान से ज़्यादा अगर आदमी मोहब्बत करता है जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह रजाल्ला ने अल्लाह के नबी वसरम से कहा कि अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ लेकिन जान से ज़्यादा नहीं तो अल्लाह के रबी ने अपना हाथ निकाल लिया जब उन्होंने कहा कि हाँ आपसे जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तो तब अल्लाह के नबीम ने क्या कहा आला नया उमर उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है तो अल्लाह तो अगर जैसे हम लोग आज देखते हैं कि अगर सारे मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल से जान से ज़्यादा मोहब्बत करें तो नमाजों के अवत में हमारे मार्केट बंद हो जाएँ हमारे सारे कारोबार बंद हो जाएँ और अल्लाह इस्लाम को गलबा दे चूँकि इतनी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है बस चलता है हम लोग नाम का दावा करते हैं इसी तरह एक और चीज इसके उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह के नबी नबीसलम की पैदाइश नूर से हुई कल हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी नबीसम को अल्लाह ताला ने हमको मिट्टी से पैदा किया नहीं जिनों को वकल अकल जान निकतु नूर फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा किया अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह ने नूर से पैदा किया क्या नहीं अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को भी मिट्टी से पैदा किया जैसे सारे इंसान मिट्टी से पैदा हुए आम इंसानों की तरह ठीक है इसका क्या सबूत है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर से पैदा नहीं किया तो वो तो सुर कहाव की आयत है काफ की क्या है आयत है जिसमें अल्लाह के नबी वसल्लम ने खुद कहा कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ अल्लाह बस इतनी बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे तमाम लोगों का सरदार बनाया है उली दी आदम वला फ़खर मैं सारे आदम के औलाद का सरदार हूँ इसमें फ़खर की बात नहीं तो अम्बिया में पाँच अम्बिया उज़म हैं और उन पांचों में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है अच्छा अगर ये भी है कि नूरानी मखलूक हम फरिश्तों को देखते नहीं क्या शायद देखते हैं नहीं दिखते हैं अच्छा अल्लाह के नबी वसल्लम को सारे सहाबा ने देखा है तभी तो वो सहाबी हुए अल्लाह के नबीसम को देखा तो सहाबियत का शर्फ हासिल किया गया जो आपके ज़माने में थे आज भी कोई नबी वसल्लम को ख्वाब में भी देख लेता है ख्वाब में भी आदमी देख सकता है नहीं नहीं आप अगर शमाइल पढ़े हैं अल्लाह के नबी वसल्लम के जो शमाइल हैं अल्लाह के नबी वसल्लम की दाढ़ी सीना भर रही होती आपके बाल ऐसे थे चेहरे मुबारक ऐसा था तो शमाइल अगर आप पढ़े हैं अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत सूरत कैसी थी तो ज़रूर या तो ख्वाब में ख़ुद दिखने वाला कह दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ या आप किसी से पूछें हा? तो लोग कहें कि ये अल्लाह के रसूल हैं ये अल्लाह के रसूल हैं अलैहि व आलिहि वसल्लम तो इसके बाद एक और चीज़ वो कहते हैं आखिरी नबी कौन है ख़ुद अल्लाह के वसल्लम ने कहा जैसे कल के दरस में हमने पढ़ा कि अल्लाह के वसल्लम के कितने नाम हैं पाँच नाम हैं तो हमने कल के अहमद मोहम्मद कितने वाह और तीन नाम बोलो अहमद मोहम्मद और माहिन हाशिर आकिभ. आकिब आक़िब पाँच नाम हैं तो आखरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं इसी बात को लेकर सारे कादियानी हैं या अजीब अजीब तरह के फ़ितने रोनम करते हैं और कई फितने ऐसे हैं जो हमको मालूम नहीं है हम हमको मालूम नहीं है बहुत बहुत फितने हैं अल्लाह ताला इन फितनों से हम सबको बचाए रखे तो क्या आपके बाद कोई नबी आने वाला है अल्लाह के नबी नबीम की वो हदीस के कहा कि घर बनाया दीवार में एक ईंट की जगह खाली रखा और फिर वो ईंट पुर कर दिया मैं वो नबी हूँ अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है और उसके बाद हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बड़ा इख्तलाफी मसला है बरेलवियों का हा? तो वो उसके कायल हैं वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी वसम की बीवियों को मोमिनीन का लक़ दिया और उनके लिए शादी इसलिए मना कर दी कि अल्लाह के नबी नबीम अब भी बायद हयात हैं वो लोग क्या बोलते हैं अल्लाह के नबीसम अभी भी क्या हैं जिंदा हैं जैसे खिजर के बारे में कहते हैं कि अभी भी गुमशुदा लोगों को रास्ता बताते हैं कौन खिज़र वो भी अभी भी जिंदा है तो एक मोदन साहब थे हमारे वो मक्के में गए कहीं मिसफला में कहीं गुम हो गए तो वो जब आए वो नहीं अब इंतकाल हो गया उनका जब आए तो बोला मैं मक्के में गुम गया था वो खिज़र मेरा हाथ पकड़ के ला के मेरे होटल तक छोड़े बोला अच्छा ऐसी बात तो बहरहाल सुनने के लिए तो ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं अगर अल्लाह ताला को जिंदा रखना होता तो नबी मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखता अफह मितमालिदून व माचानिबा शरीम मिन कबली कल खुल अल्लाह ताला ने कह दिया कि आपसे पहले हमने किसी को ज़िंदा नहीं रखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से क्या है चले गए वसल्लम आप अलैहि वसल्लम भी वफ़ात पा गए उसके बाद एक और सवाल हमारे पास है क्या हम मरने के बाद दोबारा जी उठेंगे यकीन है यकीन है इसी यकीन से तो हमारा ईमान मुकम्मल होता है तो इसी यकीन और एहताबी कैफियत है जो हमें गुनाहों से बचाती है किसी को कोई थप्पड़ लगा दिया बदला देना पड़ेगा किसी को कोई गबत कर दी बदला देना पड़ेगा किसी को कुछ पैसे ले लिए देना पड़ेगा यहाँ का रत्ती वहाँ का हत्ती वहाँ ऊपर ज़्यादा देना पड़ेगा नहीं तो तो ये एहतसाब है यानी अल्लाह ताला के पास मैं क्या जवाब दूँगा अल्लाह ताला के पास आपने इसीलिए वो हदीस सुनी हो सुना होगा कि वो बनी इसराइल वाला वो आदमी जिसने अपने बेटों से कहा था कि मैं मर जाऊँ तो मुझे जला देना मेरी लाश को राख बना देना और फिर उसे को राख को समंदरों में हवाओं में बिखेर देना अल्लाह तारा ने सारी चीज़ों को जमा किया जमा करने के बाद अल्लाह तारा ने क्या किया हा? जमा करने के बाद अल्लाह सुबहान तारा ने फिर उसे जिंदा किया फिर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया बोला अल्लाह इसी चीज से वो तो डर कर मैंने ऐसे किया कि भुर मुझे तेरे सामने जिंदा ठहराया जाएगा मैं क्या जवाब दूंगा तो अल्लाह ने उसकी उस कैफियत और डर की वजह से उसे माफ़ कर दिया तो अल्लाह का डर ये बहुत बड़ी चीज है हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे कैसे उठाए जाएंगे जैसे चिड्डे एक तरफ से उठते हैं जरादु मुंतशिर सुर कमर में अल्लाह को कमर में अल्लाह ने बता दिया उसके बाद एक सवाल हमारे पास है कि कि़यामत कब कायम होगी अल्लाह अकबर तुम्हारे पास क्या तुपे है यार कियामत कब कायम होगी जैसे कल के दरस में हमने पढ़ा निशानियाँ तो हम देख रहे हैं लेकिन कब आएगी उसका इल्म अल्लाह ताला को है सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं उसके बाद एक सवाल है कि कुफ़्र किसे कहते हैं कुफ्र इस्लाम और ईमान की जिद है यानी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने से इनकार करने को ये कुफ़्र कहते हैं अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है मैं अल्लाह पर ईमान लाया अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के वजूद वुझूद, वजूद रुबूबियत उसको वजूद रबूबियत का मतलब है कि अल्लाह ताला हमारा रब है हमको रोज़ी देता है अल्लाह ताला हमारा मालिक है अल्लाह ने हमको पैदा किया है और अल्लाह ताला सारी इबादत में अकेला है उलूहियत अल्लाह का कोई साझेदार नहीं है और अल्लाह ताला के जो नाम हैं सिफात हैं उस पर ईमान रखना इसका मतलब होता है कि अल्लाह पर ईमान लाया तो ईमान ये बहुत बड़ी बड़ी किताबें ने लिखी हैं इसी तरह अल्लाह की रुबूबियत पर ईमान लाने का क्या मतलब है ज़रा तफसील से सुन लें इसलिए कि हमने शॉर्ट में पढ़ा रुबूबियत उलूहियत रुबूबियत का क्या मतलब है तो कहा कि अल्लाह सारी कायनात का खालिक है क्रिएटर और तमाम मामलत की तदबीर करता है प्लानर अल्लाह ताला सारी चीज़ों का क्या करता है प्लानिंग करता है और उसमें अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है दो चीज़ें होंगी क्या हो गया क्रिएटर प्लानर अल्लाह ताला ये तो रबूबियत का हो गया उलूहियत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अकैदा रखना कि अल्लाह ताला ही अकेला हकीकी माबूद है वही इबादत के लायक है उलूहियत का मतलब है कि अल्लाह ताली अकेला है और वही इबादत के लायक है और अल्लाह ताला के अस्माव सिफात पर ईमान लाने का ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है ये आपको मरते दम तक जहन में होना चाहिए अल्लाह ताला के जो अच्छे नाम हैं सफात हमीदा हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने आप को पुकारा है कहीं रहमान कहा कहीं रहीम कहा कभी जो भी नाम सिफात दिए हैं या जिसका तकरा रसूल अल्लाह ने किया है बगैर किसी तहरीफ़ और तावील के मानना अल्लाह ताला के जितने नाम हैं उनको मानना लेकिन बहुत सारे मबिला हैं उन्होंने अल्लाह ताला को बिल्कुल ऐसा करके छोड़ दिया कि अगर इन नामों से हम मानेंगे तो अल्लाह ताला को कान आँख के सारे लाजिम आएंगे इसीलिए चलो हम बोलते नहीं कि अल्लाह के ये नाम है ये जो ग़लत हैं हम अल्लाह ताला के सारे नामों पर ईमान लाते हैं और यकीन रखते हैं कमाए यलीक़ु कब व कमाली और हम उसकी तावील नहीं करते फरिश्ते किसे कहते हैं क्या है फ़रिश्ते किसे कहते हैं मालूम है पढ़े हैं यानी इससे पहले जो दो तीन दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं हमने इसका कि फ़रिश्तों पर ईमान लाना चाहिए फ़रिश्ते गैबी मखलूक़ हैं जिसको हमने देखा नहीं जिन्हें अल्लाह ताला ने किससे पैदा किया नूर से पैदा किया ये हमेशा अल्लाह ताला की इतात और इबादत में लगे रहते हैं हमेशा क्या करते रहते हैं अल्लाह ताला की इतात और इबादत में लगे रहते हैं कभी अल्लाह ताला की नाफ़रमानी नहीं करते यानी क्या नहीं करते हैं कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते हैं फरिश्ते हैं और इसी तरह हमने इससे पहले भी आ, कल भी ये पढ़ा कि फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से जब आप हाँ जानेंगे तो फ़रिश्तों के नाम फरिश्तों के अवसाफ़ फरिश्तों के वाइफ अवसाफ़ यानी फ़रिश्ते कैसे हैं अमीन के छे सौ पर हैं फरिश्तों के काम क्या क्या हैं तो कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का, का काम ये है कि अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुँचाए वही लेकर आए मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने का काम उनका है इसराफी आलम इस ये क्यामत के दिन सूर फूकेंगे ये काम इनका है मलकुल मौत, ये क्या करेंगे जान निकालेंगे इतना तो कम से कम फरिश्तों के ताल्लुक से मालूम होना चाहिए ठीक है अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब आपको मालूम हो गया फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब होता है फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाना फरिश्ते हैं मौजूद हैं फरिश्ते मेरे सारे बातों को जानते हैं नाम अमाल में वो सारे लिखते हैं फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाना फरिश्तों के नामों पर ईमान लाना फरिश्तों के जो सिफ़ात हैं जो ताकत फ़रिश्तों की है उस पर ईमान लाना और उनके आमाल और वज़ाइफ जो भी काम हैं उस पर आप ईमान लाना जैसे हमने पढ़ा कि वही जबरी सलाम लाते हैं सूर इसराफी सलाम फूकते हैं ये सारे कामों पर आपका यकीन हो उसके बाद एक और चीज इन्होंने यहां बयान किया है वह आखिरी चीज हम ये करके खत्म कर लेते हैं कि फरिश्तों की बास सिफात क्या है बोलो शेबे फरिश्तों की बास सिफात क्या है हम इंसान हैं हमारे पा ही नहीं, नहीं। फरिश्तों के क्या हैं पर एक हो गया 600 सौ पर है अच्छा वो अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं जैसे दहयाकल की शक्ल में जबरिल अमीन आया करते थे वो इंसानों बाज इंसानी आदतों से पाक हैं मतलब फरिश्ते खाना नहीं खाते कैसा मालूम हुआ खाना नहीं खाते हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भुना हुआ पछड़ा घी में तल के ला के रखे तो फरिश्ते क्या बोले फरिश्ते खाए नहीं बोला कि हम लोग नहीं खाते हैं तो उनको थोड़ा तबीयत ये हुई लेकिन बाद में मालूम फ़रिश्ते सारी चीज़ें खाते नहीं खाना पीना नहीं होता है तो बस यहाँ तक इसको ख़त्म कर लेते हैं और हमारे साथ कुछ सवालत हैं तो इसको हम ख़त्म करके दोबारा ये कर लेंगे इंशाल्लाह तो पाँच मिनट नमाज़ के लिए है तो अगर ये ख़त्म करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा नमाज रकात एक रकात तो छूट जाएगी इसी पर हम बस करते हैं और उसके बाद भी कुछ बहुत अहम अहम सवालात हैं तो मैं सारे मेरे भाइयों से कहूँगा कि आप लोग कब हमारी मुलाकात है फिर मंगल के दिन मंगल के दिन ना मंगल के दिन आप ज़रा वक्त पर आ जाएं इसको ख़त्म करके हम लोग शुरू कर लेते हैं अल्लाह ताला आप सब लोगों के इल्म फज़ल में बरकत दे अल्लाह तबारक व ताली आपको ज़िंदगी में ज़िंदगी की खुशियाँ इनायत फरमाए अच्छा मुस्तकबिल इनायत फरमाएँ आप तमाम की रोज़ी रोटी में सेहत में अल्लाह ताला बरकत दे सेहत और तंदुरुस्ती फ़रमाए आमी असलिक वरमि बरकत